सॉरी, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सुडो कोड। सुडो कोड के अंदर हमारे पास क्या है भाई, सुडो कोड के अंदर भी है मल्टीपल थिंग्स। सुडो कोड हम लिखते क्यों है, क्योंकि जब हम कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे, जैसे वी आर नॉट यूजिंग पाइथन, वी आर नॉट यूजिंग जावा, तो उसको कैटर करने के लिए हमने क्या बनाया, सुडो कोड। सुडो कोड होगी हमारी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इसका कोई सिंटैक्स होगा जिसको यूज करते हुए हम पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले सुडो कोड के अंदर व्हाट वी नीड टू लुक एट इज डेटा टाइप्स। ठीक है भाई, जो हमने कौन सी डेटा टाइप्स को यूज करना है। सो हमारे पास सुडो कोड के अंदर टोटल 5 डेटा टाइप्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हमारे पास क्या है भाई, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर वी हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी हम इसके अंदर या तो आइदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को यूज करेंगे या फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई इसके अंदर एक एग्जाम्पल आ गई नाम। ठीक है, किसी भी चीज का नाम, तो जो फुल लेंथ सेंटेंस हो गया, नाम हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई, दैट कम्स अंडर स्ट्रिंग। साथ ही साथ मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ कोई भी ईमेल आईडी, abc@gmail.com। ये क्या हो गया भाई, ये भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग की एग्जाम्पल। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज आएगी भाई, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास आता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चार। सही है भाई, चार के अंदर क्या आएगा भाई, चार के अंदर आएगा सिंगल अल्फाबेट्स या सिंगल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, बी हो गया, जेड हो गया, ये सब। ठीक है, अच्छा, सिंगल कैरेक्टर्स को सिंगल कोटेशन मार्क से लाइक दिस हमने क्या करना है, लिखना है सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, और जो हमारे स्ट्रिंग होंगे स्ट्रिंग्स को डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना। ठीक है, अगर पेपर में कोई भी चीज डबल कोटेशन में लिखी हुई हो दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि किसी बंदे ने लिख दिया 017 इसमें, तो ये क्या है भाई, हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ तक बात समझ आ गई? थर्डली व्हाट वी हैव, इंटीजर डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 290 हो गया, 170 हो गया, ये सब हमारे पास होल नंबर्स हैं जिसके अंदर डेसिमल्स ना आता। डेसिमल वाले नंबर्स हमारे पास कहां पर आएंगे, रियल में। डेसिमल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1.1, 10.8, 0.672, ये सब हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूज। लास्टली हमारे पास जो चीज आती है दैट इज बूलियन डेटा टाइप। ठीक है भाई, बूलियन डेटा टाइप के अंदर हमारे पास क्या है, बूलियन डेटा टाइप के अंदर हमारे पास आएंगे कॉमन कंपैरेटिव वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल यस नो, ये क्या है भाई, ये कॉमन कंपैरेटिव वैल्यू। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर हमारे पास यस है तो नो के अलावा भी कोई जवाब हो, या तो जवाब यस होगा या तो नो होगा। सिमिलरली ऐसे ही एक और कॉमन कंपैरेटिव वैल्यू हमारे पास कौन सा है, ट्रू फॉल्स। आइदर थिंग विल बी ट्रू और फॉल्स, बीच की कोई भी चीज नहीं है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0 और 1, तो आइदर द वैल्यू विल बी 0 और द वैल्यू विल बी 1। सही है, तो ये क्या है भाई, हमारे पास कॉमन कंपैरेटिव वैल्यूज। यहाँ तक कोई मसला नहीं सर, बट सर हम कभी भी यस और नो यूज नहीं करेंगे ना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स यूज करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल हमारे पास यस नो लिखा हुआ है तो उसकी डेटा टाइप वी कैन सेट इट टू बूलियन। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हम आते हैं कुछ ऑपरेटर्स के ऊपर। सो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास सूडो कोड में कौन सा यूज होगा? बैक एरो, ठीक है, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके अलावा यूज नहीं करना, इक्वल्स टू नहीं यूज करना। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, और एग्जांपल मैंने कहा काउंट की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल्स टू जीरो, दिस इज असाइनमेंट। सिमिलरली काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, तो ये भी क्या कर रहे हैं भाई, हम असाइनमेंट कर। फिर आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स, न्यूमेरिक ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आएंगे, वी हैव प्लस, वी हैव डिवाइड, वी हैव माइनस, वी हैव मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये है हमारा नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, दिस थिंग रिप्रेजेंट नॉट इक्वल टू। यहां तक ये मसला नहीं सर, क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कॉनकेटिनेशन के रिलेटेड भी काम सूडो कोड में, कॉनकेटिनेशन के लिए हमने जो एक ऑपरेटर पढ़ा था फ्लो चार्ट्स के अंदर, सेम वही ऑपरेटर है, दैट इज एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने कहा कि भाई दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक हमने ले लिया फर्स्ट नेम, उसके अंदर मैंने किसको डाल दिया भाई, स्ट्रिंग डाल दिया है मोहम्मद, फिर एक मेरे पास है लास्ट नेम, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया भाई, अपना नाम डाल दिया। अब मैंने कहा कि भाई अगर मुझे फुल नेम बनाना, तो क्या मैं फुल नेम में दोबारा से सब कुछ डालूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा भाई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कॉनकेटिनेट कर दूंगा लाइक दिस। फर्स्ट नेम आ गया, इसको हम कॉनकेटिनेट कर देंगे विद लास्ट नेम, ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर। कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, चलो लॉजिकल लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे ये रहे, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्वल टू आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, ठीक है। अच्छा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे नहीं लिख देना, लेस देन इक्वल टू ऐसे नहीं लिख देना, नॉट इक्वल टू ऐसे नहीं लिखना, तो इसके लिए इस तरीके से हम कंप्यूटर में लिखते हैं, ठीक है भाई। ठीक है सर, चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आइडेंटिफायर्स। अच्छा, सो बेसिकली आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होता है भाई, आइडेंटिफायर वो नाम होता है जो कि हम किसी भी, ठीक है, किसी भी हम एरे या वेरिएबल या कांस्टेंट को दे रहे होते हैं, ठीक है। सो आइडेंटिफायर क्या है भाई, नेम, असाइंड या गिवन टू वेरिएबल कांस्टेंट एरे, ठीक है भाई, ये क्या होगा हमारा आइडेंटिफायर।
सही है, अब आइडेंटिफायर का नाम कैसे सेट करना है ये भी देख लो। सीआई कहता है कि भाई हमारा जो आइडेंटिफायर है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफायर नेम या आइडेंटिफायर शुड बी मीनिंगफुल। भाई आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए, भाई मीनिंगफुल होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एडिशन करवा रहा हूँ। एक मैंने ले लिया एन वन, एन वन में मेरे पास 10 है, एक मैंने ले लिया एन टू, एन टू में मेरे पास क्या आ गया भाई 20 आ गया। ठीक है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफायर का नाम ले लिया प्रोडक्ट। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू, क्या ये सेंसिबल नाम होगा? हाँ भाई, क्या ये सेंसिबल नाम होगा? नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा? सिर्फ प्रोडक्ट पे तो मल्टीप्लिकेशन होती है। हाँ, तो इसका नाम हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसका नाम हमें ऐड करना पड़ेगा या सम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर। अच्छा, साथ ही साथ आइडेंटिफायर के नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, इनको भी देखना जरूरी है। तो रूल नंबर वन हमारे पास इसका ये है कि जो भी हमारा नाम है आइडेंटिफायर का, उसके अंदर क्या आना चाहिए, आइडेंटिफायर शुड कंटेन नंबर्स 0 to 9, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। इसका नाम ही लिख देता हूं, ठीक है भाई। तो जो हमारा आइडेंटिफायर का नाम है वो कैसे हो सकता है भाई, अल्फाबेट, नंबर और फिर अंडरस्कोर। इस इन तीन चीजों के अलावा और कोई चीज यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते और आइडेंटिफायर नहीं, ठीक है। अच्छा, अंडरस्कोर को कैसे यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है, मुझे पूरी चीज लिखनी थी फर्स्ट नेम, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था, फर्स्ट नेम, ठीक है, स्पेस नहीं देना, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये स्पेस नहीं है, इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, फर्स्ट और फिर नेम, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था। और अगर मुझे स्पेस देनी है, मैंने कहा भाई मुझे स्पेस देनी है, तो मैंने यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया, अंडर स्कोर लगा दी। तो ये क्या हो गया भाई, ये दो वर्ड्स को सेपरेट कर रहा है अंडर स्कोर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या रखने हैं, अपने आइडेंटिफायर के नाम रखने हैं, फिर चाहे वो वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट हो या एरे। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा रूल क्या है, आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर, ठीक है, शुड ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया भाई, सम हो गया, और साथ ही साथ नम वन, सही है, ये भी हमारे पास क्या है भाई, ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एस सूडो कोड आइडेंटिफायर। लेकिन कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसको भी देख लो। इस टाइप के हमारे पास आइडेंटिफायर के नाम एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, जिसमें नंबर पहले आ रहा हो। तो हमेशा आइडेंटिफायर का नाम सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए, फिर उसके बाद नंबर आ सकता है। इसीलिए हमने कहा भाई अगर हम एन वन यूज करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है भाई। थर्ड जो हमारा रूल है, दैट इज
कि भाई हमारे जो आइडेंटिफायर है सुडो कोड में दैट विल बी केस सेंसिटिव. क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि भाई अगर मैंने दो आइडेंटिफायर क्रिएट किया, सम और सम, ठीक है, दो आइडेंटिफायर मैंने क्रिएट किए हैं, एक है सम और दूसरा भी है क्या, सम. इसमें क्या है भाई, कैपिटल एस, इसमें क्या है स्मॉल एस. इसके अंदर मैंने अगर स्टोर किया है 10, इसमें मैंने स्टोर किया है क्या 0. तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सम इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है सम. ठीक है, बल्कि ये नहीं, मैंने कहा भाई मुझे प्रिंट क्या करना है, स्मॉल वाला सम, दिस. तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0. ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आएगा भाई, 0 आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि जो चीज हमने ऐड करवाई है वो किधर स्टोर्ड है, इसके अंदर, और हम प्रिंट किसको कर रहे हैं, इसको, इसीलिए ये हो रहा है. तो मुझे यहाँ पर अगर सम में जो चीज मैंने स्टोर करवाई है वही चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सेम वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा. क्या ये बात समझ आ गई? जी सर. ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल कॉन्स्टेंट और एरे के ऊपर, विच आर द पार्ट्स ऑफ आइडेंटिफायर. फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग टुवर्ड्स वेरिएबल, वेरिएबल क्या है भाई हमारे पास, एक टेम्पररी मेमोरी है. ठीक है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक टेम्पररी मेमोरी है. इसको इस तरीके से समझो कि एक ये खाली बॉक्स है, लाइक दिस, खाली बॉक्स है. इसके अंदर हमने कोई चीज डाल दी, जब दोबारा से किसी और चीज को डालेंगे, जो चीज अंदर पहले से प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, जब कोई न्यू चीज आएगी. क्या मतलब इस बात का मतलब ये होगा कि भाई मैंने कहा ये मेरे पास क्या आ गया, एक छोटा सा बॉक्स आ गया. इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सबसे पहले एक वैल्यू डाल दी, वो वैल्यू है 5. ठीक है, सबसे पहले डाल, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसी के अंदर मैं एक और वैल्यू डालता हूँ, दैट इज 10. तो जब मैं ये 10 इसके अंदर इंसर्ट करूंगा, तो ये जो 5 है ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा. ठीक है, लॉस्ट हो जाएगा. ये क्वालिटी है किसकी, वेरिएबल की. तो वेरिएबल में जब भी हम कोई न्यू वैल्यू डालेंगे, तो जो पुरानी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो समझो एक तरीके से लॉस्ट हो गया, या फिर दूसरा वर्ड इसके लिए क्या बोल सकते हैं, रिप्लेस हो गया. सही है, क्या ये बात समझ आ गई इसकी? सो व्हाट इज अ वेरिएबल, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी. बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे के सारे आइडेंटिफायर्स हमारे पास क्या है, टेम्पररी मेमोरी. करता क्या है भाई, स्टोर करता है वैल्यू को अपने अंदर. When new value is added, old value is lost. सही है. अच्छा, वेरिएबल जब हम आगे जाएंगे तो हमने दो टाइप के वेरिएबल पढ़ने हैं. ठीक है, टू टाइप्स होती हैं हमारे वेरिएबल की. एक कहलाती है लोकल, एक कहलाती है ग्लोबल. ठीक है, दिस थिंग विल कम इन फंक्शन प्रोसीजर्स. ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल. जी सर. लोकल वेरिएबल क्या होगा भाई, लोकल वेरिएबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि एक फंक्शन के अंदर ही यूज हो रहे होते हैं. अगर मैं फंक्शन के बाहर इस लोकल वेरिएबल को कॉल करूंगा, ये काम नहीं करेगा. ग्लोबल वेरिएबल कौन से होंगे, ये वो वेरिएबल्स होंगे जो एक फंक्शन के अंदर भी काम करेंगे और फंक्शन के बाहर भी काम करेंगे. सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, सो लोकल वेरिएबल क्या होंगे भाई, यहीं पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. जो सिर्फ एक मॉड्यूल में, एक फंक्शन या एक प्रोसीजर के अंदर यूज हो रहे होंगे, या एक सब रूटीन में यूज हो रहे हैं. ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा भाई, वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस्ड
इन होल प्रोग्राम। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास वेरिएबल के बारे में चीजें। अब आते हैं कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट का क्या है भाई, जब कोई सेट ऑफ लाइंस चल रही होंगी या कोई प्रोग्राम चल रहा होगा तब ये कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। जब प्रोग्राम चल के रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम खुद से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इसी तरीके से है कि भाई मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट क्रिएट किया और उस कांस्टेंट को मैंने कहा कि भाई ये कांस्टेंट चल रहा होगा कब, जब तक एक पर्टिकुलर लूप चल रहा है। सही है, मैंने कहा भाई ये मेरे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी है 3.142। सही है, तो इसमें क्या होगा भाई, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, एक लूप चलता रहेगा, तब तक ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा तो फिर मैं लूप या फिर वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते जैसे हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर, ये भी हमारे पास क्या है, टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, एक वैल्यू को एक वक्त में स्टोर करेगा। अच्छा, कांस्टेंट को लिखते कैसे हैं? कांस्टेंट को लिखने का तरीका है कि भाई उसके पीछे हमने लिखना है इस तरीके से, कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया उसका नाम। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला? नहीं सर। मूविंग ऑन टू अनदर आइडेंटिफायर, दैट इज एरे। एरे बहुत अच्छी चीज है भाई, एरे बहुत काम की चीज है। एरे क्या करता है भाई, एरे हमारे पास समझो एक कबर्ड की तरह होगा, लाइक दिस, एक कबर्ड की तरह होगा। इसका काम क्या है भाई, ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, एरे का काम क्या होगा भाई, ये मल्टीपल वैल्यूज को क्या करेगा, स्टोर करेगा ऑफ सेम डेटा टाइप। लाइक दिस। ठीक है, अब तुम्हें एक एरे के अंदर, ठीक है, तुम्हें एक एरे के अंदर जो है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिल रहा होगा स्ट्रिंग भी, तुम्हें मिल रहा है रियल वैल्यू भी, ये वाले काम नहीं होते किसी भी एरे। अच्छा, ये जो मैंने बनाया, दिस इज 1D एरे, 1D एरे। 1D एरे में 1 कॉलम होता है और मल्टीपल रॉज होती है। ये भी क्या है भाई हमारे पास, टेम्पररी मेमोरी। काम क्या है, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ऑफ सेम डेटा टाइप। सही, DT मीन्स डेटा टाइप। सही भाई, यहां तक ही मसला? अच्छा, नहीं सर। अब हमें एरे की थोड़ी सी जबान को भी सीखना है। तो भाई एरे में हमारे पास किस तरीके से बात हो रही हो, एरे के अंदर ये जो चीजें लिखी हुई हैं, दीज थिंग्स आर कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है भाई, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, इंडेक्स। तो बेसिकली ये पोजीशन है कि भाई ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के अंदर मेरे पास 9 रखा हुआ है, तो पोजीशन को क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास क्या रखा हुआ है, 9। सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 90। थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 1000। ठीक है भाई, तो जो पोजीशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन इन एन एरे इज नोन एज इंडेक्स।
सही है, और जो अंदर डेटा स्टोर हुआ है ये वाला, जो अंदर डेटा स्टोर हुआ है इस डेटा को क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ठीक है। तो जो अंदर डेटा होगा पोजीशन में, डेटा इन एन एरे, इसको क्या बोलेंगे भाई हम? एलिमेंट बोलेंगे। यहां तक मसला? नहीं सर। ठीक है, एरे के जो नाम होते हैं वो कैसे लिखेंगे हम? तो जो भी एरे का नाम होगा वो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, नेम और इसके आगे ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस तरीके से हम एरे का नाम लिखते हैं। इफ यू हैव टू गेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट आउट फ्रॉम एन एरे, तो मैंने कहा कि भाई हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरे का नाम, नेम, और फिर यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स, जो भी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए वो यहाँ से निकाल दो। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, तो फर्स्ट इंडेक्स में मेरे पास क्या रखा है भाई? 9। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सेकंड इंडेक्स होता है 90 आ जाता। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एरे की आती है डायमेंशन। ये जो 1D 2D है ये क्या है भाई? डायमेंशन। एक तो है हमारे पास 1D, दूसरा क्या है भाई हमारे पास? 2D। 2D की क्या खासियत है भाई? मल्टीपल कॉलम्स एंड रॉस। 1D एरे की क्या खासियत है भाई? एक कॉलम होगा एंड मल्टीपल रॉस होंगी। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। तो जो 2D एरे होगा वो तुम्हें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक एन एक्सेल शीट जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोज होंगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। चलिए भाई, ये हमारे पास 2D एरे आ गया, ये हमारे पास 1D एरे आ गया। 2D एरे का जो नाम होगा वो किस तरीके से होगा? दैट इज नेम आर कॉमा सी। ठीक है, 1D एरे के अंदर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? पोजीशन लिख देते हैं, रॉ की वैल्यू लिख देते हैं। 2D एरे में मल्टीपल रॉज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? आर कॉमा सी। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, यहां तक हमारे पास क्या चीज था? खत्म हो गई है आइडेंटिफायर्स। So, भाई अगला टॉपिक है हमारा डेटा आइडेंटिफायर टेबल। अच्छा, डेटा आइडेंटिफायर टेबल होता है कुछ इस तरीके का, बनाने को भी आता है। इस टेबल की क्या खासियत है भाई? इसके अंदर होंगे 3 कॉलम, ठीक है ना भाई? इस तरीके के होंगे हमारे 3 कॉलम। पहला कॉलम होगा हमारा नाम का, आइडेंटिफायर का नाम,
दूसरा होगा आइडेंटिफायर की डेटा टाइप, तीसरा होगा डिस्क्रिप्शन या पर्पस। सही, ये है हमारा डेटा आइडेंटिफायर टेबल। ठीक है, इधर क्या आएगा भाई, कोई भी नाम आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई सम, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई नेम, ये नेम तो ऊपर यूज कर लिया सम, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद सम में हमारे पास आ जाएगा डेटा टाइप इंटीजर, फर्स्ट नेम की डेटा टाइप आ जाएगा भाई क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, एक और बना लेते हैं, दैट इज ग्रेड, इसको दे दिया हमने क्या चार। सही है भाई, डिस्क्रिप्शन सम की, स्टोर वैल्यू आफ्टर एडिशन। ठीक है, बताना है कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम में क्या होगा भाई, स्टोर नेम ऑफ, स्टोर नेम ऑफ अ स्टूडेंट, फिर उसके बाद स्टोर ग्रेड, ऑफ अ स्टूडेंट। सही है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आइडेंटिफायर टेबल में काम हो रहा होगा। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर, बस ये तीन चीजें इसकी बेसिक हैं। फिर उसके बाद एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन आया था, नेम आइटम्स स्टोर्ड इन डेटा आइडेंटिफायर टेबल। सही, अच्छा ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म ही लिख दी है, डेटा आइडेंटिफायर टेबल। सही है, तो भाई क्या क्या चीजें हम स्टोर करते हैं, सबसे पहली चीज नेम ऑफ आइडेंटिफायर, दूसरी चीज डेटा टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, और तीसरी चीज पर्पस ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ये तीन नंबर का पास्ट पेपर का क्वेश्चन आया, यहां तक बात समझ आ गई? जी सर।